सादिक आले मुहम्मद अले मुसलाम फरमेंदन जड़ा बंदा सारी जात खुश होके दरूद भेजे तो उन्दर रिज़्क़ च कमी नहीं आ सकती। बुलंद सलवात इज्जत सल्ले अला मुहम्मद। इस वक्त गली गली नहीं, इस वक्त इसका दर्जा बहुत बुलंद है क्योंकि इस वक्त मजलिस हुसैन है, जन्नत हुसैन है। तो जो भी किसी ऐसे मकाम पर इंसान हो जिथे इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं तो एक सलवात अपने अपने मरहूमीन दे बुलंदी है दर्जात वास्ते इज्जत बल फजल लब्बास से पढ़ो। अल्लाहुमा सल्ले अला मुहम्मद। माशाल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन। बुलंद सलवात वसलाम तो वसलाम अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन बरजमत मुस्तफा सलवात वसी ही वाओ वजीर ही व खलीफत ही ववा और से इल्म ही इल्म الولین والآخرین بررخسار وارث صلوات اللهم صل علی الذی ردت له الشمس مرتين ضربات علی يوم الخندق افضل من نباودت سقلا نارا حیدری اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني वअनाओ मिनल हुसैन सलवा। इजाजत है जी गुफ्तगू आगाज। मेरे मोहतरम सामईन लखमद है खुदा इलम यजलदा कि अल्लाह ने तुहानू और मैन फिर मजलिस हुसैन आवन की सआदत नसीब करी। वैसे तो वतीरा होना चाहिए, वजीफा होना चाहिए, बिरद होना चाहिए कि जो भी मजलिस हुसैन अलैहि सलाम वाले पासे आओ तो बड़े ही खुशू खुजू नाल जिस तरह मोमिनीन आंदे और तुसी आंदे हो। लेकिन ये कभी भी ना समझो कि कल भी मजलिस चम तो आज भी मजलिस चाह, तो इस बात ते फख्र महसूस करो क्योंकि सरकार हबीब मने मज़ाहिरुल असदी
जन्नत च बह के आ दिन काश जन्नत च न हो वहा जमीन ते मजले से हुसैन च हो। आवाज बता दो, जोर ना लगाओ। मेरे मोहतरम सामईन, मजले से हुसैन अलैहि सलातो सलाम च आवण नाल इंसान दे वजूद च, इंसान दी सोच च, इंसान दी जिंदगी विच तब्दीलियां रोनुमा होंदी। अगर मजलिस हुसैन अलैहि सलाम विच आ के भी इंसान गुनाह तो बच नहीं सकया तो फिर वह समझे उसका जिस मजलिस च आया उनकी रूह मजलिस च नहीं आई। तो जो है जो कोई ना सर। मेरे मोहतरम जवानों, बड़ा मकाम है बाउतर शाह जी अशूरा करबला मौला करके आए, और खुदा दी ज़ात तो इस तो बड़ा इंसान क्या अजर मंगे जिहड़ा अशूरा बादशाह दे कदमच करके आवे, और जितने भी लोग गए और खुदा उन्होंने फिर ले जावे, और जेडे नहीं जा सके वह करबला मौला की ज़ियारत ते जावन। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला नूं कुछ इस अंदाज च रंग लाया कि करबला कल भी जिंदाबाद हा, अज भी जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहा। करबला नाल टकरावण वाले खुद मिट गए, लेकिन करबला जे जिंदा हो बाकी। मेरे मोहतरम जवानों, करबला एक ऐसी फतह इस्लाम दी तवज्जो जिस तो बाद कोई भी इस्लाम ते हमला इस अंदाज च नहीं कर सकिया जिवें यजीद ने किया। यानी यजीद अल ऐलान वल अजाब ने अल ऐलान आख दिता कि कोई नबूवत नहीं, कोई रिसालत नहीं, कोई वही नहीं, कोई जबराइल नहीं, और तारीख के लफ्जे ने उस अल ऐलान ने आख्या कि बनू हाशिम दा ढोंगे यजीद ने आख्या, और फिर बैत का मुतालबा इमाम हुसैन अलैहि सलाम तुझे कीता कि बैत करो या वतन छोड़ो। तो इमाम हुसैन अलैहि सलातो सलाम का एक जवाब है जिन तारीख हमेशा याद रखसी, वलीद बिन उतबा ने बैतनामा सामने पेश किया जो ये पढ़ लो, इस तू मनो या इनकार करो, जेड़ा फैसला हो दसो असी खबर शाम पहुंचाणीए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस बैतनामे दे उतने ही टुकड़े किते जितने सनद ज़हरा दे टुकड़े होए, और मौला मुंह ते मार के फरमाया मेरी तरफो यजीद नूं आख्या है बैत मंगण तो पहले सोचे तहा तू माविए दा पुत्र है, मैं अली दा पुत्र हाँ। तो बनू उमैया, मैं बनू हाशिम, तू सुफियान दा पोतरा, मैं इमरान दा पोतरा, तू मैं सोना माँ दा दुध पीते, मैं माँ दी झोली च पलिया जेंदी मुहम्मद उठी के ताजीम। और करबला भजन करबला कोई इस तरह बाबा जी, कोई इस तरह जिंदा और जावेद है करबला कि करबला च अगर कोई 80 साल हबीब इब्ने मज़ाहिर आया तो भी जिंदा, कोई 90 साल मुस्लिम इब्ने औसजा आया तो भी जिंदा, कोई बुरैर हमदानी सहाबी रसूल आए तो सहाबी अली अलैहिस्सलाम आए तो भी जिंदा। करबला तो अपने वजूद इस तरह जिंदा है कि करबला च कोई हैवान भी आया है तो भी जिंदा। मेरे मोहतरम सामईन, करबला विच अगर कोई हैवान भी आया तो वह भी जिंदा। तो करबला जिंदगी का नाम है, मौत खुद करबला विच जाके परेशान है। करबला वह मकाम है जिथे मौत का तसव्वुर ही नहीं, जिथे हयात ही हयात है, हयात जादू है, ऐसी जिंदगी का नाम है मेरे मोहतरम सामईन करबला। और तुसी वेखो कि एक जिक्रे करबला दी वजह तो कितने जिक्र जिंदा, यकम मुहर्रमुल हराम तो लेके आई दिस दिन तक वेख लो किस किस मकाम तेजादारी हो रही है, और क्या क्या मौजूआत पढ़े गए और पढ़े जा रहे हैं। लोग घरों टुरदे जो मजलिस हुसैन ते जा रहे हैं, लेकिन जो मजलिस पहुंचे
مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر آدم علیہ السلام دا ہو گئے مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر نوح علیہ السلام دا ہو رہے مجلس کربلا علیہ دی ذکر انبیاء دے ہو رہے مجلس کربلا علیہ دی ذکر اوسیاء دے ہو رہے مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر تفسیر دا ہو رہے مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر جنت دا ہو رہے مجلس حسین علیہ السلام دی ذکر غوثان دے ہو رہے کلندر دے ہو رہے عبدال دے ہو رہے کتب دے ہو رہے کوئی استہار تو بھی کھا دیو کہ جس تے لکھے ہوئے مجلس آدم یا لکھے ہوئے مجلس نوح یا مجلس عیسیٰ تو ایک کوئی نام مل سی مجلس حسین اور ایک مجلس دے اندر سارے ذکر موجود کتنے ذکر زندہ ہو رہے ہیں ایک مجلس حسین علیہ السلام دی وجہ تو مجلس حسین دی ذکر تفسیر دا مجلس حسین دی ذکر توحید دا مجلس حسین دی ذکر رسالت دا تو ہر شب جمعہ جس ہستی دا ذکر مجلس حسین چھوندا ہے وہ ہستی اپنی قبر چھوڑ کے کربلا حسین دی قبر تے پہنچ دین اور دوئے ہاتھ متھے تے رکھ کے آدن حسین اٹھی ساڑی سلامی قبول کر اگر تیرے شیعہ اور تیری مجلسہ نہ ہوئینا آج دے زمانہ ہی ساڑا نام ہی کوئی نہ چاہوئے تو ایک ذکر دی وجہ تو کتنے ذکر زندہ ہو کتنے ذکر زندہ ہو انسان اپنا دکھ کربلا لے کے جاوے اپنا بھولویں تو کتنا آسرہ ہے کربلا دے سے تذکرے دا کتنا آسرہ ہے سن میں ویکھے بندے اندے جوان پتر مردن لیکن کدھی کوئی نہیں آدھا بھی سن ساڑھے پتر دی گل سنو آدھے نہیں دسو حسین دا اکبر کی میں لتا ہے کسی دا بھرا دنیا تو ٹر جاوے لوگ اپنے بھرا دنیا نہیں رو علم عباس برامت کر کے آدھن دسو عباس نو مظلوم توریا کیوں تو میں سر کیوں تو اس ایک ذکر کتنے دلاسن کتنا آسرہ ہے کتنا سہارہ ہے کتنی عظمت ہے کتنی ایک معرفت ہے کربلا دے اندر میں دارائن قربان کر دینا ارمان سانی سے گال دے کہ اس گھر نال عیسائی نہیں لڑے آئی تین تُساں سنے ہوئے جو کسے عیسائی آکھے ہوئے بھی میری گلی چو حسین دا گھوڑا نہ گزرے تُساں آئی تک سنے ہوئے بھی کسے عیسائی کسے ماتمین گولی ماری ہو جی نہیں ہر دور انہا حیاتی تر 2010 سے اشرے چھ کرسمس ڈے 5 دسمبر وہ 9 محرم بنے آج اکثر بندن یاد اسی 2010 سے چھ گجران والے میں اشرا پہ پڑھا تو بانی اشرا آگو نہ کہہ دی آج ممبر تے گجران آلے دے عیسائیان دے شکریہ ادا کر دیوے میں آکے دے ہاڑا تالی اکبر نو رومن دے تو عیسائیان دے شکریہ کیوں ادا کریے انہا جواب پہ چاکے انہا دی عید آئی 5 دسمبر آ اشرچ گئیے لاہور چو انہا دے مذہب دا جڑا وڈا پادری ہے نا اس آکے گجران آلے پادری نے اکٹھا کر کے اعلان کر کے آکے کوئی عیسائی محرم میں عید نہ مناوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سارے مجمع دی ہے نکل گئی ہے کوئی عیسائی محرم میں عید نہ مناویے تو نہ دے جوانا آکے سال بعد آئیے اسی نہ مناویے اگو نہ جواب چاکیا مباہلے علی زہرہ دے پتر کس گئے دکھ لگ سی جن دی ہائے نہ نکلی روان آلیو عیسائی حیاء کر دیں تو مسلمان پوچھ دے دامینو شادی کرنا جائز ہے یا نہ جائے یہ اجر رسالت ہے یہ دین تیرا امید آرین قربان کر دے ماں بروز معاشر رسول اللہ جو پوچھ لیا پھر کسے ہمسائے دا بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹا مر جاویا تو کم از کم سوئم تک تا تو اس دے گھر بھی فاتحہ خان نہیں دے گا لتھا تا میرا بھی بچ دے گھوڑے تو او میں دارین قربان کر دے ازادارو امام مظلوم مرتجز دی زینج 9 لاکھ مارن آلا مالیو سبتین لکھ دے عمر ابن سعد نے لانتی نے 3000 ماہر جنگ جو 9 لاکھ چو علیحدہ کی تھے 3000 انہاں دے 4000 ہوان جنہاں دے کل تیز کمانہ لیتی 4000
चार हजार होवन जिन्हां दे हत्थां च लंबे लंबे नेजे आ, दारैन कुर्बान करा, ग्यारह हजार ओ जालिम आए जिन्हां दे हत्थ च पत्थर आ, जिदे जिदे मजलूम दा घोड़ा टुरदा ही ना। इत वत भैणा जो आखे ना शबीर एक हमला करके विखा, मता कल को ये ना आखे बतूल दे पुत्र नू लड़न दी डा नहीं आंदी। उस वक्त तारीख का बड़ा औखा जहा लफ्ज़ है, तो इमाम मजलूम ने एक नेजा लेके ना जनाब आलिया दे खैमे तो हट के खत छिके, खत लकीर एक छिकी जमीन ते, ते मौला ने उत्थे उस नेजे नू जमीन च पोए, ते मौला दे हाथ ते हाथ रखे, इंज मौला दो हाथ रखे, इंज मौला नौ लख आले पासे वेख के फरमाए तुसी खत अबूर कर जाओ, मैं अब्बास दा बिरा क्यों आ। अजादारो ते वत नौ लख किताब दे लफ्ज़ जिवे चक्की चलदी है ना चक्की, इस तरह हमलिया ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यानी वादीए नौखेला तक फौजां मौला ने दौड़ाईन, और लोग इंज दौड़न के दीवारे कूफा नाल जाके लोगों के घोड़े टकराएन, इंज लड़न मौला। तो जिदा लोग भजदे हन ना मौला दे रहवार दे सामने, तो मौला पिछू एक बड़ी औखी जी गल करदे हन, इमाम भजदियां दी कंड आले पासे वेख के फरमाते हैं खलो के लड़ो, मेरा अकबर ने मारिया। जज़ाक अल्लाह इंशाल्लाह, अपने किसी गम में जाए ना करो, मेरी दुआ ही नहीं। इमाम फरमावे ना खड़ के लड़ो, मेरा अकबर ने मारिया, मेरा जवान ने मारिया। और ज़दारो पता नहीं के आलम हो सी कि जो मौला लाशा के दरम्यान गुजरते उस कदाई अब्बास की लाश, कदाई कासिम की लाश, कदाई ओनो मुहम्मद की लाश, तो इमाम दा जिगर ही समझ सके। आओ हुण मैं मजलूम दा लहना पढ़दा, एक मैं तारीख च पढ़िया है बछड़े मरण अबू अयूब दे, इस एक तीर मारे है जेड़ा इमाम दे गल च लगे। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह, हाय निकलनी इस जुमले ते चाहीदी आ, अज़ादारो गल च लगे है, तो मैं दारैन कुर्बान करा शीश बिन रबी मलौन ने एक नेजा मारे है जेड़ा मजलूम दे पासे च लगे। जवानों जे बर्दाश्त कर लियो तो इस जुमले तो मजलिस होवे सी, जेड़ा नेजा पसलियां च लगे ना पासे विच उसनो ए तीर लगे ते नेजा तो पूरा तन बदन जख्मी, तो मौला ने जिवें नेजा कढ़िया ना तो खून दा फवारा निकलिया है, पड़सा मैं तू जान ते करबला ले जाने, जिवें खून दा फवारा निकले तो मौला निकलदे खून ते अपने जख्मी हथ रखे ते जन्नत उल बकी अल मुंह करके आ देन अम्मा संभली भाई मातमी नाल गल, जिवे अम्मा आखण वास्ते मुंह खोले होर मेल गल च तीर मारे आ। आ मेरा मौला जी हाय निकली है, शाल अपने गम च न रोवे, तुसा मौला नू लांदा नहीं वेखिया घोड़े तो। ओ मैं दारैन कुर्बान करा एडे जुलम दा तीर आ जो मजलूम तुजीन छुट्टन लग पई है। मैं दारैन कुर्बान कर दे अजादारो, जेड़ा ये तीर लगा खोली मलाउन ने भी माली सिबतैन लिखदा एक नेजा मारे जेड़ा मौला दी दूसरी फसलियां चली। अच्छा फिर चार हजार कमान कड़की, चार हजार तीर यक लख्त मेरे इमाम दा के सलाम की। शायद इन्हां रिवायतां नूं पढ़ के बुजुर्ग मिंबर ते आदे हन जो हुसैन तिरवंजा मिंट नज़ीन ते हा। वाह भाई को बड़ी रूहानियत मजली से अजावे, ओ आखिर तक गली तक कोई जिथे बैठे माँ हुसैन दी राजी होवे। शायद ये रिवायत नूं पढ़ के बुजुर्ग आखे होवे भाई तिरवंजा मिंट नज़ीन ते अन ते ना जमीन ते अन, तो फिर जिवें जिवें तीर पैवस्त होंदे गए। ओ मैं दारैन कुर्बान कर देवां रोण वाले बाद हर किसे ही मारे है इमाम अलैहि सलाम। मैं एक इमाम असर अलैहि सलातु व सलाम अपने बादशाह एक जुमला पढ़दा जेड़ा अपने दादा दे मसाए पढ़दे हो या वारिस सुकून हुसैन ने पढ़िया। एक तीर हुरमिल ने ऐसा मारे है मजलूमे करबला नू जिस नाल मौला बड़े ही तड़पे। बहुत घट मजमिया खैर इस जुमले नू समझे कलहदा बात है, थोड़ी मार्फत बुलंद रखना मसाइब दी एक जवानों लफ्ज आखना चाहना। वो तीर बादशाह दे ने दिल आले मकाम ते लगे और उस तीर नाल इतना तड़पे है अकबर दा बाबा। ओ मैं दारैन कुर्बान कर देवा सज्जे वे दिन कोई सजड़ नहीं, खब्बे वे दिन कोई सजड़ नहीं, उस तीर नाल इतना तड़पे न और तीर ज्यादा हिस्सा तीर दा अंदर चला गए। इमाम कोशिश की थी मैं तीर नु बाहर कढ़ा, रोवण आले जो इमाम चिक दिन तो निकलता नहीं, तो किताब दे लफ्ज़ ने इमाम अलैहि सलाम ने उस तीर दे पिछले हिस्से ते अपने जख्मी हथ रख के जोर लाया
मातमी इशारा मैं करना है हाय बेबस करे जदा जोर लाया ना तो मौला ही थे इमाम आसर खून रो क्या दिन अस्सलाम अला मक्तूल वतीन मातमियो मक्तू आ दिन कट जाना वतीन उस रग नू आ दिन जड़ी खून दिल थी पहुंचाई है इमाम जमाना खून रो क्या दिन मेरा सलाम होवे मैं बिस्मिल्लाह करा मैं सदके हुआ मैं दारेन कुर्बान कर देवा रोवन आले हो एक दो बहन करना चाहना जिसते मोरे ली दिए धिया दी फिर 9 लाख मारे है जी तीर तलवार 1951 जख्मंद भी रिवायत मिल दी जख्म तो एक दो भी हो तो इंसान मर्जी ना उठ नहीं सकता तो तारीख ते सवाल किया 1951 जख्म किवे लग गए तो तारीख खून रो क्या दिए जिथे तीर आई ना उठे नेजा लगे चलो मैं अपने सुन्नत भाइयों वास्ते इशारा कर देना इतना 9 लाख मजलूम नु मारिया हा जो जख्मा चो जड़ी मशरक दी हवा हा मगरब गुजर वेंदी मरहबा पत्थर दिल दा मैं जिम्मेदार नहीं जंदे दिल च कब्रे हुसैन ते रोवण आए घर नबी दा उजड़े घर शिया सुनिया दा नहीं उजड़िया ए जेड़ा लांदा पई है जीन तू ए उहो त नहीं जन मोहम्मद मोहर ते चंदे है तो जिसनु रसूल अल्लाह मोढ़ियां ते चाया उसनु उम्मत सांग ते क्यों चाया भाई क्यों चाया गल मर्दां ते मुक जावे आ तो होर गल सिर्फ हुसैन नु नहीं मारे हुसैन दी धीआं नु भी मारे बादशाह दी भेणां नु भी मारे अजादारो मैं बाबा नासिर हुसैन शाह मांगो आला लेक रिवायत पढ़ते होंगे वो आदि भेण का पैगाम सैन फिजा भिरा दी आई तो भिरा का पैगाम भैन दें आई हूँ जुमला दसे सी मातमी केड़ी जात बैठे ये पैगाम पहुंचाद सात तीर त फिजा कर बलाच वाह भाई वाह जड़ी रो क्या दिया मेरी निब वैसी शाला ज़ैनब आलिया का भिरा बच जा जजाक अल्लाह शाल अपने किसे गम में जाए न करो इंसान जख्मी हो तो जख्म चो हवा गुजरे कितना एक जख्मी हो रोवण आलियो मैं दारैन कुर्बान कर देवा मुर्तजी जिनू पता पहले कदम तैया कि मजलूम लह गए पहले कदम ते पता कि हुसैन लह गए लेकिन मैं सुनो हैवान भी किमें आखा मैं करबला इंसान हैवाना के रूप वेखन हैवान इंसाना के रूप वेखन आजादारो 9 लख ना लड़िए हुसैन द मुर्तजे जदा पता लगे ना मजलूम मेरी जीन तू लह गए ते तीरां दी बारिश लहा दिता है जेडे तीर मजलूम तू बच गए वो इंदे पास च लग गए गल च लग गए चेहरे ते मुंह ते लग गए रोवण आले गर्दन च आर पार नेजे लग गए ते मजलूम झण पए ते अपने आप नु मुर्तज ज्यादा इथाई रुक ओ आईओ ये जेंदा तै उधार लहाव जजाक अल्लाह जुम्मे दा दे आ नबी दा वेड़ा जनाबे जहरा ततहीर आली चादर जाओ खवा क्या देन मुर्तजिज जना तनहा रह जावे वद छोड़ी ना मेरा जजाक अल्लाह भाई हर आख हर इंसान बुरसा दे रही है मोहम्मद वाले मोहम्मद ओ मैं दारेन कुर्बान कर देवा मेरे शिया सुनी भाइयों अगलिया गोडिया यानी अगले पैर जमीन सटे तो मुंह दे भार ठठे ठठे और उठे फिर ठठे फिर उठे जब तीसरी बारी उठे है ना इस अपना कोई हिसाब नहीं कीता कि मेरे कितने जोड़ त्रुट गए बड़ी प्यारी प्यारी सवारी चूंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दित्तो या तोहफा है रसूल अल्लाह दा दित्तो या तोहफा है और फिर रसूल अल्लाह दा तोहफा और इमाम अलैहिस्सलातु वसलाम ने पूरी जिंदगी करीब करीब 50 से 51 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस ते सवारी कीती है 51 साल मैं एक लफ्ज आखना चाहना बाबा जी 51 साल हुसैन इन छड़ी नहीं मारी ओ आया ही नहीं मुर्तजिस दे सलाम ते जन अगली गल दी समझ ना आवे जन हुसैन छड़ी नहीं ना मारी उन 9 लख मारे है जजाक अल्लाह दुआ मंगो इंशाल्लाह लाडले नु कोई ना मारे जदा कोई लाडले नु मारे ना उस चुके उस नु कदी किसे मारिया नहीं ना होंदा लाडले नु कोई झिणक नहीं देंदा 9 लख दी मार झलीए तां त बणे जुलजना परां आला
पूरे पसलियां में तीर लग गए, इतना मारिया गया, गुर्ज मारे गए, जो लब कटी गए मुर्तजिज, दंदान त्रुट गए, पूरे मुंह चो खून, पर फिर भी 9 लाख जिस नूं वेख्या ना कि फलां मलाउन तीर अंदाज इमाम हुसैन नूं तीर मारन दा इरादा रखदा है, तो बरक रफ्तारी नाल उंदे सिर ते पहुंचे और अगले सुंबा नाल उसका सिर कुचल दे विया। आखो तो मैं इशारा करा, माहौल बड़ा है, और मेरा यकीन है ये दाई जानने भी जितने लोग बैठे हो सन ना सारे मजलूम दे पुरसे वे चाह पे कर दे हो सन, लड़दा मुर्तजिज शामिया नाला वेधा मन दरिया ते हे कलाश जिया नहीं निकली वो नाल अलित पूछे मन दरिया ते कौना फुरा दे किनारे हिकलाशा जेंदे बाजू नाल कोई ना एन मुर्तजिज अपनी आवाज चा दई अब्बास भिरा तनहा रह गए मरहबा मरहबा जजाकल्ला जजाकल्ला अजरकुम अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम 9 लाख नाल लड़के ना बमा दी शाह जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे सामने अगलियां गोडियां लाईयां सी अगलियां गोडियां ला दितियां और अपना मुंह मजलूम दे पैरां दे करीब ले गए। ये याद रखना तीर पत्थर बराबर वसते रहे, तीर नहीं रुके पत्थर नहीं रुके, तो जिवे इमाम दे कदमा ते अपना जख्मी मुंह रखे तो मौला कोनियां दा सहारा लेके उठे और पूरे बाजुआं च भी तीर नेजे जख्म सुबूहुन कुदूसुन दी तस्बीह ते पई ना निगाह सिर तो सुंबा ताई सारे ही जख्मी नजर आया। तेरी मेरी सवारी नो थोड़ी जी खराश लग जावे ना असी चौक च लड़ पौने आ, क्यों लड़दे आ, सवारी प्यारी है ना, सवारी प्यारी है ना, दिल नहीं करदा उसनु कोई खराश भी मारे ते जिस नु 9 लख मारे होवे हाय ते सवारी भी हुसैन इब्ने हैदर दी होवे जिवें मौला खून च गिलता वेखे ते मौला बड़े ही प्यार नाल पुछया मुर्तजिज किवें पई निभदी गई, बादशाह दा प्यार नाल पुछना हाई सारे ही दर्द भूल गए ते बड़े ही लाड लाल ना मौला दे कदमा ते मुंह रख क्या दे तेरी मां दी कसम है इना मैंने बड़े ही मारे है सैयदा दे गिया क्यों ना वादे मौला मैं पुछन आया आप लथे हो या मेरी कोई गलती है। जज़ाकअल्लाह गिरिया बुलंद हो गया दुआमा मंग ले आए जितने बीमार हो मौला तुन शिफा अता फरमावे है मौला आप लथे हो या मेरी कोई गलती आई मजलूम में करबला फरमाया मैं लहना ही थाइया है मौला इत लहान दी वजह फरमाया है वो जगह जिथे सारी रात मेरी मां वाला नाल बुहारी दें क्योंकि मता कोई संग्रेजा मेरे जख्मी नु जख्मी न कर जावे अगली अंगोडियां ला के पैदा मौला मौला मैं हैवान हाँ मेरे बाजू कोई नहीं अगर मेरे बाजू हो मेरा तो मौलम मैं तो जालमा दे दरमियान निन चावा जिवे मदीने मां च मौला मैं हैवान हाँ मैं अगले गोडियां लाइन एक बार मेरी जीन दे इमाम फरमाया तकलीफ न कर मेरी मुक गई है जज़ाकअल्लाह अदे मौला मैं पिछलिया गोडियां भी जमीन ते ला देना चलो सुन दे औखा जहा जुमला पढ़ देना इमाम फरमाते हैं जे सर पर कुछ करना चाहना है ना बस थोड़ा करीबा मैं जख्मी बाजू तेरे गल च पहना ते मौला मैं क्या करा फरमाया मैं नुस जात ले जा जिथे मेरे अकबर दी लाश है क्योंकि शबी दे नाल मौला अली अकबर दे जनाजे दी शबी भी बरामद हो सी जिथे मेरे अली अकबर दी लाश पई हुई है मैं दारैन कुर्बान कर देवा गौर नाल इमामे मजलूम दा चेहरा वेखद तीर लगदे पे तीर लगदे लेकिन फिर हट के वेखद इमाम फरमाते के नजर आ रही है आदे चादर ते जाओ नजर आ जेड़े तुहाड़ी मां खवा के वादा कीता ही ना उसले हुसैन फरमाया मुर्तजिज मैं राजी मेरा नाना राजी मेरा बाबा राजी मेरी अम्मा राजी जा टुर जा कदमा ते मुंह रख के प्यादे आखण हुसैन मैं खलोता क्यों आ पर मौला 9 लख मारन आले है मौला उस वेले आखो जना अब्बास मौजूद आई है मौला उस वेले आखो जना अकबर मौजूद आए है मौला एक दफा मेरी जीन ते आओ तो सही बड़ा औखा लफ्ज है मजलूम करबला फरमाए ते किदे ले वेना है आदे जिथु 28 रजब चढ़ाया है ओ मैं सदके वहां सैयद रो क्या दे मैं अम्मा जहरा फरमेसी आप आ गए हैं मेरिया धिया नु 9 लख है तनहा छोड़ ओ मैं दारैन कुर्बान करा इमाम अली मकाम फरमाया जा मैं हुसैन इमाम हुंदा जेड़ा हर किसी दी बोली नु सुने और समझे
जेड़ा पत्थर नू भी आखे तो पत्थर कलाम करे, ये तो फिर हैवान है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया जा मैं तेरे नाल वादा करदा माशर तक, इमाम फरमाते जा मैं तेरे नाल वादा करदा शहादत मेरी पढ़ी सी जिथे भी शबी तेरी नहीं, रोंदा ते बुलेंदा नहीं। इमाम फरमाते घबरा नहीं, इनाम थोड़ा तो वधा देना, आद अकबर दा बाबा इस तो वड्डा भी कोई नाम है। बादशाह फरमाते जा मैं तेरे नाल वादा करदा धिया मेरिया उस दिन दा मुहर्रम होसी पैरां विच ना लैन कोई ना होसी गलियां च पुछदियां वदियां सण केड़े पासों आवणा साडे दादे दा घोड़ा नाल अल मोमिन तेरी हायत गवाह हो जावे। एक चार साल सैयद जादी होसी जेड़ी तेरी वाग च हाथ रख के कैसे किवें लहाई सकीना दा बाबा जदाक बड़े हौसले नाल आजादारो आजादारो इनू ए मंजर नौ लख चो एक सदा आई है बाबा बाबा धी टुरन दा राह नहीं दे। इमाम अलैहि सलातु व सलाम दी निगाह पईए ते ओ दूर एक शामी दे सामने हथ बन के पैया दिए किदा ही मेरा बाबा घोड़े तुलांदा डिठे ही जवानो मजलिस आजाद खत्म होवे ते कोई चार साला बच्ची ए गली दे कोने ते खलो के तेरा मेरा दामन नप के आखे बे मैं शबीए जुलजना दी बरामदगी आई मैं बाबा दे नाल मजलिस च आई आ मजलिस खत्म होई है मैं बाबे तो जुदा हो गई आ कलमा मोहम्मद पढ़ दें तो मैंने मेरे बाबे नाल मिला दे रख सिर ते कुरान तू बच्ची नू बाबे नाल मिले से या तमाचा मर हाय ओ मैं दारेन कुर्बान कर देवा जालिम ऐसा जवाब दिता है अब्बास दी लाज फरात तड़प गई मौला दिया कटियो या रगा चो आवाज आए जहरा दलाल हुन राजी है जो धी झिणकींदी पई है। इमाम अले सलातु व सलाम तीर पत्थर तलवारा मुसलसल पे लग दे ओ मैं दारेन कुर्बान कर देवा लेकिन जिवे जो निगाह पई है ना मसायब रज के थोड़ा पढ़ना है जितना मेरा अपना वक्त है फजाइल से वजह तो मैं नहीं पढ़िया मसायब च ज्यादा वक्त गुजर जावे क्योंकि जेडी शाम च आंदे नु साडा इलम सुनन नहीं आंदा ओ सिर्फ अपनी औलाद दा पुरसा ते चादर नु रोवण आंदी है रोवण आ लियो ये मंजर हाई ये जालिम ने तीर चाहे कमान च पा के तीर छोड़े है अगर ना समझो तो गल ही कोई नहीं समझो तो जिंदगी दा रोवण है मुसल्ले ते रो सकते हो घर च रो सकते हो रोवण आ लियो मासूमा रो के पैया दी जालिम मैं बाबा दा पुछदी हां तू तीर चलावण च मसरूफ एक कमीना हंस के आद है जिसनु तीर लगे ना वो हुसैन ही जजाकल्ला 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 लख मेरी आख जिसनु तीर मारे है ना वो हुसैन है अजादारो मासूमा टुरदे आए 15 कदमां दे फासले ते सरकार फिजा पे आदन तू धीए हो पियो तेरा कोई बाबे तू परदे रो के पिया दी अम्मा इंज ने आज बाबा भूले सी तवे से इमाम आली मकाम ने जख्मी पेशानी नु बुलंद फरमाया ते सामने जख्मी धी नजर आई मैं इत्यादा राना कोई किसे दे बेटे नु मार लवे ते लोग तां गल कतला तई पहुंचा लेंदे ते जे कोई किसे दी धी नु मारे कोई किसे दी धी नु मारे ओ मैं दारैन कुर्बान ते धी किस दी हुसैन मजलूम अकबर दी लाश ते गए किसे नाल ना गल कीती अब्बास दे बाजू चाले चुप हुसैन कासिम दे टुकड़े चाले चुप हुसैन ओन मोहम्मद दे लाशे हबीब बुरैर जौन सारियां दे लाशे चुप हुसैन लेकिन जिहड़े वेले धी जख्मी वेखी है ना वत भी दुनिया च किसे नाल गल नहीं कीती त्रुटी होई कमर सिद्धी करके अर्श आले पासे मुंह करके आ दे दीन बचे है या कोई ना ओ मैं दारैन कुर्बान कर देवा सैयद आदे ओ जाने रुल के मर गई मेरी निभ वैसी इंशाल्लाह तेरा ई ओ लम्हा आई जदों कुल कायनात दियां नजरां करबला ते ई ओ लम्हा आई बाबा जी जदों अंबिया दियां सफां लगी होईयां ई ओ लम्हा आई बेवेदन बणदा क्या है होंदा क्या है ते जिस वक्त इश्क तौहीद च शबीर आख्या ना ए भी रुल के मर गई कौन वहाज ही रुकैया तो सदरल हुसैन जेडी हुसैन इब्ने हैदर दे सीने दा तावीज आई
उसनु मौला पिया दिन उस जाने रुल गई मेरी निभ वैसी इंशाल्लाह तेरे दीन दी तकमील हो जावे। अजादारो जी में धी पिछा मुड़िए ना अम्मा बाबे नु अकबर दी मौत खा गई है ते मजलूम ने फिर तस्वीर शुरू की थी ये अजादारो जमीन हल गई है फुरात दी मछलियां तड़प तड़प के पानी चो बाहर आईया उठा ते घोड़ियां दी गोडियां रेत च लगियां हर नबी अर्श अलमो करके प्यादा वाह अल्लाह ते वाह हुसैन हुसैन दा अल्लाह अगर थी हुन पहुंच गई खैमा गाताई तो अर्श त्रुट के जमीन ते आपोसी उस ले खालिक दा आवाज है शबीर बस कर मैं राजी हूं। इस एक जुमले वास्ते कितनी मेहनत है मजलूम दी जदा कहना बस कर मैं राजी हूं हुसैन जो लिखावण लिखवा जो मनवावणी मनवा मेरी हूरां दे वाल खुल गए ओ करबला वे तेरी मां दी रूह तड़प गई है हर चीज तौहीद नु गवारे बतूल दर होवन गवारा नहीं जल्दी कर धी नु वापस बुला याद रखिया है मातमियो मजलूमे करबला उठ ना इन सकदे। हुण अगली रिवायत मेरे सामने है लेकिन मेरा अपना जिगर नहीं सांदा इमाम जानुआं दे भार पूरे वजूद तीर लगे होए ते जदा खाले का कहना बुला धी नो मैं राजी हाँ ते धी हे कदम अगा चेंदी ते पंज पंज वारी पिछू वेदी आई भाई मता बाबा बुलावे चा मात भी नाल गले सैयदा दे वाला इना मेरा अकबर लाया बह जा इठा बह जा इथे बह जा सैयदा दे वाला इना मेरा गाजी लाया सैयदा दे वाला मेरी शाम दे कह देन सकीना रोवण आलो इनो धी दौड़िए इमाम अलै सलाम जानुआ दे भार उठी नहीं सकदे कौन जेड़ा जुमले दी कदर करे वसदे तीरां विच मजलूम धी नूं हां नाल लाया कौन जेड़ा मातम न करे इतो तीरां दा हुसैन धी नूं बचांदा इस पासों तीरां देन शबीर धी नूं बचांदा उमर इब्ने साद अल मजलूम मुंह करके आदा लाजा जंग रो जंग च गरीब धीया नहीं नाल सदका जजा कल्ला भला खड़ के रोवण आले आवाज आंदे जंग रो मैनू मिलन मेरी धीया आ गई रोवण आलियो तीरां दी धमाक नेजियां दी धमाक दीन महसूस कीती है मेरी जाकरी दा औखा वैण मेरी शहजादी ने छोटे छोटे हाथ पियो दी जख्मी दाड़ी तले रखे रो के पई आ दिए वे अकबर दा बाबा ए मारण आले कौन है सदके सैयदा दे सकीना ए मारण आले मुसलमान सिर ते मातम दा पुरसा रो के आ दिए हैं बाबा मुसलमान तैन क्यों मरे देन सैयदा दे सकीना मेरी मां दा ना जहरा सैयदा दे मैं नबी दा पुत्रा मैं अली दला सुभान अल्लाह ए करबला इंज बणदी ने करबला मजलसा मैं दारैन कुर्बान कर देवा हाथ न जोड़ो रोवण आलो कण दे पिछे शिमर अलैलान वल अजाब जिंदगी ओए जे जिंदगी दा ना हुसैन ए ख्वाहिशात ओए जिना दे ते हुसैन दी मोहब्बत हावी ए गुनागार नु तवा शफी अल मुजनबीन तो है नहीं सही अगर तेरे दिल च अली दिया धीया दरुलण दा वाकई ही दर दे ता मैं तेरे सामने एक विनत करना चाहना लोग बंद कमरे च हाथ नहीं बन दे मैं गली च खलो के हाथ पिया बन दा शियाए ते भावे अहले सुन्नते अगर तेरे दिल च नबी दे घराने दा दर दे वत मर जावी भूल के शराब नबी जेड़े वेले कातिल आया है हाथ नाल शराब लगदा दुए हाथ नाल अली दिया धिया नु खंजर विखावे हा ए जालिम ताना मार के आदा योन गाजी बुला बीबिया दिया अकबर मा या लहरा सदका हौसला 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 आवाज आंदे मेरा अल्लाह
मैं ज़ैनबा ओ मैं अदारैन कुर्बान कर देवा कड़ पिछे आ क्या दे हुसैन कहंदे नाल गल्ला करे ने सैयदा दे ज़ालिमा मेरी धी आ गई है एक इशारा कर जावा जिवें कातिल तो डिठा है शबीर धी नु लुकाया ते धी दा सिर चुम के फरमाया मैं उन्नी पुतारा ओ मराई बैठा इस बन बर्बाद विचाले सैयदा दा अहो आ गया ही सदका सदका सदकियों वा बस चंद मिनट दी बकाया से मैं दो या तीन मिनट मेरे अल वेखो तुन मजलूम दी आखरी नमाज सुनावा रोमन आलो सैयद फरमाए सकीना टुर जा मेरी मुख गई है अगली गल भी याद रखिया है मजलूमे करबला कोई मिन्नत नहीं की थी सैयद ने धी दी आंधी ओ मिट्टी नाल तयम्मम कीता रोमन आलिया जिंदगी ये चली उन वलीउल्लाह वाजिब समझण आला नमाज कजा न करी सजे अकबर दिलाशा खबे फिरावा दिलाशाई फिरावा पुत्रा दिया लाशाई तीन दिन रात तस्से हुसैन आख्या अल्लाह अकबर रोवण आलो सिर सजदे चाया कातिल जुल्फा च हाथ पाया जेंदे मजहब च मातम जायज पहली जरा चलिए धी प्यो दी कढ़ ते झड़िए रो के आदी आई हाथ कढ़ मेरे प्यो दिया हायो जुल्फा चू ओ बाशिंदा को मजफादा कंड खाली वेख मेरे बाबे दी ना दे तकली फजियादा रो के आदिए जैंदे रोब तुनाया आख लग दी उन्दा जी नहीं है का शाहजादा तैथो फजल भी पुछदा आवन दियो शबीए जुलजना दरम्यान चरा च बनाओ केड़े वेले मौके दा गवावे सिर ते मातम दा पुरसा जेड़े वेले गोडी लावे आ उसले शबीरो के आखिया नाला पासा मेरी मुख गई ओ तेरी हर कोशिश बेकार मैं लाजेदा मेहमान बैठा हूं चल वैसी तलवारे रोवण आलो जरब चलदी आईए ए जालिम ने मजलूम दिया जुल्फां चो हाथ नहीं चाया मेरी सैन फुरात आले पासे दौड़िए रो रो के पैया दिए पिया साया काढ़ा काट कताल करें दे ओ तेरे वीर नुशिमार कमीना सारे वेखो पहले मौके दे गवाह दी शबिया हुण उस दी शबिये जनाजे जे दी लाश ते हुसैन टुर के नहीं गया कोनिया दे भार टुरिया नौ लख नु रो रो के आखिया कैं डिठा होवे मेरे अकबर नो मस्जिद अकसा तू लांदा सैयदा दा एज ना लहना है जवानी जिवे उम्मत लहाया ओ मेरा जुतवा सिर ते पुरसा होवे मैं अगला बंदली अकबर दा पर्दा ताई तादा ओ मां प्यू थी बर्बाद वेंदे ओ जैंदा मर पवे पुता र जवाने जैंदे पुतर दी मौत ते खर्च होवे उदी शादी दा सामाने ताई तादा शाह छिकाण लगा फल बरछी दा हाय होए कुल मुरस हैरान बदा मल कलमो तो हुसैन नु आखे
तेरे अकबर दा अरमान सिर दा पुरसा पैनल मुंह करके गरीब आखिया जिन्ना मिलना जी दे।